उत्पत्ति अध्याय 33, उत्पत्ति अध्याय 33। और याकूब ने आंखें उठाकर देखा कि ऐसा 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने लड़के बालों को अलग अलग बांटकर लिया और राहेल और दोनों लौंडियों को सौंप दिया, और उसने सबके आगे लड़कों समेत लौंडियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को, और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सबके आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब ऐसा उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटकर चूमा, फिर वे दोनों रो पड़े। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और लड़के बालों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ है सो कौन है? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। तब लड़कों समेत लौंडियों ने आकर दंडवत किया, फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत की, पीछे यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत की। तब उसने पूछा, तेरा यह बड़ा दल जो मुझको मिला उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा, यह कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। ऐसा ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वो तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। सो यह भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। जब उसने उसको दबाया तब उसने भेंट को ग्रहण किया। फिर ऐसा ने कहा, आ हम बढ़ चले और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। याकूब ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देनेहारी भेड़ बकरियां और गाय है। यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हाके जाए तो सब के सब मर जाएंगे। सो मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार जो मेरे आगे है और लड़के बालों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर शेर में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा। ऐसा ने कहा, तो अपने संगवालों में से मैं कई एक तेरे साथ छोड़ जाऊंगा। उसने कहा, यह क्यों? इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तब ऐसाव ने उसी दिन सेईर जाने को अपना मार्ग लिया और याकूब वहां से कूच करके सुक्कोत को गया और वहां अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। इसी कारण उस स्थान का नाम सुक्कोत पड़ा। और याकूब जो पदनराम से आया था सो कनान देश के शकेम के नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथों से 100 कसीतों से मोल लिया। और वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल लोहे इसराइल रखा। उत्पत्ति अध्याय 34, उत्पत्ति अध्याय 34। और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। और शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। और याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, सो वह उनके आने तक चुप रहा। और शकेम का पिता हमोर निकलकर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास गया और याकूब के पुत्र सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आए
क्योंकि शकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इस्राएल के घराने से मूर्खता का ऐसा काम किया था जिसका करना अनुचित था। हमोर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, सो उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो और हमारे साथ ब्याह किया करो, अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो और हमारे संग बसे रहो और यह देश तुम्हारे सामने पड़ा है, इसमें रहकर लेन देन करो और इसकी भूमि को अपने लिए ले लो। और शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों की अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो सो मैं दूंगा, तुम मुझसे कितना ही मूल्य व बदला क्यों न मांगो तो भी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दो। तब यह सोचकर कि शकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया है, याकूब के पुत्रों ने शकेम और उसके पिता हमोर को छल के साथ यह उत्तर दिया कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दे, क्योंकि इससे हमारी नामधराई होगी। इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारी नाए तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए, तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। पर यदि तुम हमारी बात न मानकर अपना खतना न कराओगे तो हम अपनी लड़की को लेके यहां से चले जाएंगे। उनकी इस बात पर हमोर और उसका पुत्र शकेम प्रसन्न हुए और वह जवान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था इस काम को करने में उसने विलंब न किया। वह तो अपने पिता के सारे घराने में अधिक प्रतिष्ठित था। सो हमोर और उसका पुत्र शकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर रहवासियों को यो समझाने लगे कि वे मनुष्य तो हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं, सो उन्हें इस देश में रह के लेन देन करने दो, देखो यह देश उनके लिए भी बहुत है, फिर हम लोग उनकी बेटियों को ब्याह लें और अपनी बेटियों को उन्हें दिया करें। वे लोग केवल इस बात पर हमारे संग रहने और एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न है कि उनकी नाई हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए। क्या उनकी भेड़ बकरिया और गाय बैल वरन उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी न हो जाएगी? इतना ही करें कि हम लोग उनकी बात मान ले तो वे हमारे संग रहेंगे। सो जितने उस नगर के फाटक से निकले थे उन सबों ने हमोर की ओर और उसके पुत्र शकेम की बात मानी और हर एक पुरुष का खतना किया गया जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे। तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नाम याकूब के दो पुत्रों ने जो दीना के भाई थे अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया और हमोर और उसके पुत्र शकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शकेम के घर से निकाल ले गए और याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उसमें उनकी बहन अशुद्ध की गई थी। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल और गधे और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया, उस सबको और उनके बाल बच्चों और स्त्रियों को भी हर ले गए, वरन घर घर में जो कुछ था उसको भी उन्होंने लूट लिया। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्यों के मन में मेरी ओर घृणा उत्पन्न कराई है इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, सो अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, सो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या की नाई बर्ताव करे? उत्पत्ति अध्याय 35।
तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से कूच करके बेतेल को जा और वहीं रहे, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भाग जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब में से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ, हम यहां से कूच करके बेतेल को जाए। वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली थी और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। सो जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडन उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दे दिया और उसने उनको उस सिंदूर वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। सो याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वही प्रकट हुआ था। और रिबका की दूध पिलाने वाली गाय दबोरा मर गई और बेतेल के नीचे सिंदूर के वृक्ष के तले उसको मिट्टी दी गई और उस सिंदूर वृक्ष का नाम अल्लोन बक्कुत रखा गया। फिर याकूब के पदनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी और परमेश्वर ने उसे कहा, अब तक तो तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा। सो उसने उसका नाम इस्राएल रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे और जो देश मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूं और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहां उसने याकूब से बातें की उसके पास से ऊपर चढ़ा और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की वहां याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्ध देकर तेल डाल दिया और जहां परमेश्वर ने याकूब से बातें की उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जन्म देने की बड़ी पीड़ा होने लगी। जब उसको बड़ी पीड़ा उठती थी तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने एक बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। यो राहेल मर गई और एप्राता अर्थात बेथलहेम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई और याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वही खंभा आज तक बना है। फिर इस्राएल ने कूच किया और एदेर नाम गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। जब इस्राएल उस देश में बसा था तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया और यह बात इस्राएल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए, उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी,
यहूदा, इस्साकार और जबुलून और राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ और बिन्यामिन। और राहेल की लौंडी बिल्हा के पुत्र ये थे, अर्थात दान और नप्ताली। और लिया की लौंडी जिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गाद और आशेर। याकूब के यही पुत्र हुए जो उसने पदनराम में उत्पन्न हुए। और याकूब ममरे में, जो करियत अरबा अर्थात हेब्रोन है, जहां इब्राहिम और इसहाक परदेशी होकर रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। इसहाक की अवस्था 180 बरस की हुई और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया, और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला, और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी।